బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలకు ఆకర్షితులై వివిధ పార్టీలకు చెందిన నాయకులు యువకులు మహిళలు పెద్ద ఎత్తున బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన మాజీ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ అలీం టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. ఆయనకు ఎమ్మెల్యే ఫలిట్ రోహిత్ రెడ్డి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. అలాగే బషీరాబాద్ మండలం, దామర్చేడ్, కాసింపూర్, తాండూర్ మండలం, ఎల్మకండి, సిరిగిరిపేట్, గోనూర్, యాలల మండలం, కోకట్, జుంటపల్లి గ్రామాల కాంగ్రెస్ నాయకులు, మహిళలు, యువత బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. వారికి ఎమ్మెల్యే గులాబీ కండువాలు కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవడం పక్కా అన్నారు. యువత అంతా బీఆర్ఎస్ వైపే ఉందని, పెద్ద సంఖ్యలో పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకోవడం చాలా సంతోషకరమన్నారు. వారి ఆశీర్వాదం, సూచనలు, సలహాలతో పార్టీని మరింత బలోపేతం చేయడానికి కృషి చేస్తామన్నారు. పార్టీలో చేరిన ప్రతి ఒక్కరికి సముచిత గౌరవం ఉంటుందన్నారు. ఈ 15 రోజులు మీరు పనిచేయండి, వచ్చే 5 ఏళ్ళు నేను పనిచేస్తానని తెలిపారు. అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలను కొనసాగిస్తూ మరొకసారి తనను 100 మెజారిటీతో గెలిపించాల్సిందిగా కోరారు. और अफू साहब का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, और श्रीनिवास जारी जो मेरे साथी कांग्रेस में थे उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, और नरसिम्ह साहब का और अयूब यावर साहब का, फारूक साहिद साहब का और हकीम खान साहब का, मुस्तफा पटेल साहब का, क्योंकि इन लोगों की वजह से मैं बीआरएस में बहुत दिनों से मेरे को पीछे लग के बीआरएस जो काम कर रही है अफवाह के लिए, तो ये बता दिया है मेरे जहन में ये बात डाले, और मैं भी सोचा क्योंकि जो पार्टी में लेके जा रहे हैं ये पार्टी के एमएलए हमारे लिए अलग नहीं है, क्योंकि 2018 में हम इनको जिता के वहां भेजे थे. उस टाइम से जब भी उन्होंने जब गए थे वहां से तो हमारी इजाजत के इस पे बलबूते में गए थे. जाने के टाइम ये बोले थे कि मैं बराबर जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अगर यहाँ रह जाऊंगा तो आगे चल के तांडूर का डेवलपमेंट नहीं होगा. तो वो वजह से पहले रोहित रेड्डी साहब बीआरएस में जब बीआरएस थी जब शामिल होने के बाद हम भी उम्मीद करें उनसे बराबर डेवलपमेंट करें, और वहां जाने के बाद 1 साल तक तो कांग्रेस में थे, 2 साल लगातार उनको लॉकडाउन मिला, उनको उतना डेवलपमेंट का मौका नहीं मिला, फिर भी उनकी कामयाबी बराबर ये 2 साल में इतनी अच्छी रही हमारे को देखने की यह रही. तांडूर की अवाम बहुत मासूम है, क्योंकि तांडूर की अवाम जब रोहित रेड्डी साहब को 21 दिन या 22 दिन में जब कांग्रेस में शामिल हुए 21 या 22 दिन में खाली उनके कामा देख के यंग लीडर्स में जब थे वो कामा देखकर उनको कामयाब करे थे. तो उसकी बदौलत मैं आपको एक बात ये दिलाना चाह रहा हूँ कि हमारा शामिल होना बीआरएस पार्टी में आज कांग्रेस से हटना, हम 20 से 25 साल कांग्रेस में रहे मगर कांग्रेस पार्टी हमारे कुछ नहीं दी, कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ दिए. जब भी हमारे को मौका मिला हम राजू गौड़ साहब एक साथ काउंसिल में थे, मैं उस समय भी काउंसिल में रहने का आज वेलफेयर एसोसिएशन का कब्रस्तान का जो काम था वो हमारे पीरियड में हुआ, क्योंकि वो जितने भी मलिया का परमिशन था वो हमारे पीरियड में काउंसिल में यूनानिमसली हम राजू गौड़ साहब जितने भी नरसिम्ह साहब जितने भी लोग थे यूनानिमसली वो हमारे को सैंक्शन करा के वो जब काम करे उसके बाद वहां से कारवा बढ़ता गया. उसके बाद जो भी है भाई जब भी आते हैं तो उसको ताउन करते हैं, उसमें महेंद्र रेड्डी साहब भी ताउन करे, एमएलए साहब भी ताउन करे, नारायण राव साहब भी ताउन करे, तो वो बहुत बड़ा कौम का काम हमारे पीरियड में. मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ हमारा काम जो था 5 साल के पीरियड में वो एक काम कौम का हम करे, क्योंकि बराबर कहीं भी बोल सकते हैं बराबर वो काम हम करे. और रही बात और एक बात जो हम लोग खासतौर पर कांग्रेस पार्टी छोड़ने की बदौलत है हमारे सर पे ऐसे आदमी को ला के बिठाए जो तो वो लोकल का नहीं है और उसको कुछ बात करने नहीं आता और उसको कुछ करने नहीं आता. अगर ऐसे आदमी का हम साथ देंगे तो 5 साल उन हमारे को पहचानने में चले जाएंगे उसके, अगर क्योंकि ऐसी हालत है उसकी पूरे 1 महीने से पहले से उसकी ऐसी हालत है कि हमारे को उसको आज तक करस्पॉन्डिंग का कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, हमारी उसकी बातचीत ही नहीं हुई. तो वैसे आदमी को परगी से ला के हमारे सर पे बिठाने के बाद हमारे को एक गोल सीखा, फिर हम सोचे हमारे साथ यहाँ पूरे जितने भी रोहित रेड्डी साहब के साथ है वो पूरे हमारे साथ यहाँ है और हमारे एमएलए जो हम जिता के गए थे. इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ वो एमएलए को खतई जिताने की बात नहीं करना, क्योंकि अगर वो गलती आप करेंगे तो वो एमएलए को 5 साल पूरे पहचानने में लगेंगे, डेवलपमेंट तो करने की बात दूर है, क्योंकि यहाँ पे रोहित रेड्डी साहब को 2 साल मिले
दो साल में जो डेवलपमेंट करे आपके सामने, और एक मौका आप अगर देंगे रोहित शेट्टी साहब को, मैं समझता हूँ 5 साल की जरूरत नहीं है, 2 साल की जरूरत है उनको, तांडूर को 4 चांद लगा के छोड़ देंगे, ये उम्मीद करता हूँ बराबर, क्योंकि रोहित रेड्डी साहब का डेवलपमेंट की बात ही अलग है। वो जो मनोहर रेड्डी है, जो MLA हमारे सर में लाके बिठाए थे, वो बिल्कुल नाकारा है, उन्हें काम नहीं कर सकते, उन्हें पहले तो कहीं उनकी बातचीत भी नहीं है, आप जाके अगर बात करें तो हिंदी में करेंगे तो तेलुगु में करते, वो बात है। इस बात से भागने वालों को, काम करने वालों को मौका देना चाहिए, इसलिए हमारे पहले रेड्डी साहब को अगर यहाँ से जिता के भिजाएंगे, बराबर यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में अगर MLA बनेंगे तो वहाँ पे बराबर उनको मिनिस्टर, KCR साहब उनको बराबर मिनिस्टर बनेंगे, जब तांडू डेवलप होगा, तांडू आज जो डेवलपमेंट में जा रहा है ना, बराबर रोहित रेड्डी साहब की मेहरबानी है, ये 20-25 साल से आप देख रहे हैं, क्योंकि तांडू कभी भी डेवलप नहीं हुआ, कुछ भी आज जगह रोड अच्छे हो गए, धूल कम हो गई, सब कम हो गए, आज रोहित रेड्डी साहब को हर चीज मालूम है, पूरे 4 मंडल में कोसा गांव किधर है, कोसा कोना खराब है, कोसा कोने में काम करना चाहिए। और तांडूर टाउन की बात करें तो तांडूर गांव में 36 वाड़ा है, 36 वाड़ों में कौन से वार्ड में खराब काम चल रहा है, खराब हो गया तो है, कौन से वार्ड में काम चल रहा है, तो इसलिए हमारा पार्टी का सरपंच रहने दीजिए ना रहने दीजिए, हम वो कभी भी नहीं देखे, हमारा वर्गम वाला रहने दीजिए या ना रहने दीजिए, हम कभी नहीं देखे, हर गांव को हम 50 लाख रुपया देकर आज गांव, हर गांव को डेवलपमेंट किया है। आज अपने तांडूर में लगभग 40 गांव ऐसे गांव बन गए जिधर एक छोटा काम भी अगर लगाना चाहेंगे तो भी नहीं है, पूरा काम बर्खास्त कर दिया हमने, केवल 2 साल में आज तांडूर की इतनी तरक्की हमने किया। आज अगर आप देखेंगे, जब पूरा तेलंगाना मिशन भगीरथ का पानी पी रहा था, अपना तांडूर में एक भी मिशन भगीरथ का नल नहीं लगा था, फिर हम उसके ऊपर भी जोर लगाए, वो टेंडर को कैंसिल कराए, रीटेंडर करा के नया कॉन्ट्रेक्टर को लेके आके आज तकरीबन 90% घरों को तांडूर शहर में अपने को मिशन भगीरथ का पीने का नल आ चुका है, और एक 10% पेंडिंग है, ये 10% के लिए भी टेंडर खत्म हो गया, और आने वाला समर से पहले माने 4-5 महीने से पहले अंदर ही अपने को तांडूर शहर में हर घर को मिशन भगीरथ का पीने का पानी का नल आप लोग देखेंगे बोल के मैं बता रहा हूं। उतना ही नहीं, आप लोगों को यह भी मालूम रहना चाहिए, हम MLA बनने से पहले 2000 फीट अपन बोरिंग डाले तो भी पानी आता या नहीं आता अपने को डाउटफुल था। आज हमने जो खक्करवेनी और कागना नदियां हमारे से होते हुए जाते हैं, वहां पर हमने 11 चेक डैम उनको सैंक्शन कराया, जिनमें 6 चेक डैम कंप्लीट हो गए, और वो 6 चेक डैम कंप्लीट होने से आज अपना ग्राउंड वाटर बढ़ गया, और अभी 200 या 300 फीट में अपने को जबरदस्त पानी आ रहा है, कई जगहों पे तो 60 फीट में भी पानी आ रहा है। ये 11 के 11 चेक डैम पूर्ण कंप्लीट हो जाएंगे, तब बारिश आने या नहीं आने दो, अपने को ड्रॉट भी रहने दो, तांडूर में ग्राउंड वाटर का कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। तो ऐसा एक प्लानिंग के हिसाब से हमारे को तांडूर तरक्की के लिए हम काम कर रहे हैं, और आज देखेंगे आप तो पहला तांडूर लाइक शेयर చేయండి, కొసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి, మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి।